मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ B62, जियो, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कास्ट, क्रू, सभी को जिन्होंने ऐसी क्रूशियल टॉपिक के ऊपर इस मास्टरपीस को डिलीवर किया व्यूअर्स के लिए, कॉमन मैन के लिए। ये फिल्म कोई रेगुलर एंटरटेनर नहीं है, बल्कि ये फिल्म उन टॉपिक्स को टच करती है जो सीरियस सब्जेक्ट्स पर रिलेटेड है। आर्टिकल 370 एक पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें एक्शन, ड्रामा, इमोशन, हर चीज एट पीक आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है। एक ऐसी फिल्म जिसमें आपको एंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ हार्ट थंपिंग पेट्रियोटिज्म भी फील करने को मिलेगा। फिल्म एकदम करेक्टली ऑडियंस को एंगेज रखने में कामयाब रहती है। योर हार्ट विल श्योरली मिस अ बीट। जब आप पुलवामा अटैक फिल्म में देखेंगे, वो डिपिक्शन ऑन स्पॉट है। कश्मीर वैली का जो डिपिक्शन है वो बहुत ही ज्यादा थोरो है, और इसके लिए डायरेक्टर आदित्य धार को जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम है। साथ ही साथ हर कैरेक्टर के लिए जो कास्ट उन्होंने चूज की है, उसको जजमेंट के लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसके अलावा जो फैसिस्ट और रेडिकल मुस्लिम्स को उन्होंने डिस्प्ले किया है वो स्पेक्टेकुलर है। फिल्म का म्यूजिक, डायलॉग, सब कुछ अमेजिंग है। जहां यामी गौतम की बात की जाए तो उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग और जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर को प्ले किया है वो फ्लॉलेस है। प्रिया मणि, राज जोशी के कैरेक्टर्स ने अपना काम कमाल का किया है। उसके अलावा राज्यसभा डिबेट को जिस तरह से कैप्चर किया गया है फिल्म के अंदर, वो शॉट आपको गूज़बम्प्स दे देगा। ओवरऑल कहा जाए तो आर्टिकल 370 एक ग्रिटी, रॉ और हार्ड हिटिंग फिल्म है, जहां फिल्म ने रियल इवेंट्स को अमेजिंगली कैप्चर किया है और फिल्म का फास्ट पेस नैरेटिव इसको एक कमाल की फिल्म बनाता है। तो ये तो मेरा ओपिनियन था। मैं इस वीडियो को इतना शॉर्ट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके की कमाल की फिल्म्स को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करें। तो ये था मेरा ओपिनियन। आप अपने ओपिनियंस फिल्म देखने के बाद मेरे साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।